करेगा ही। अरे खाले सू कर गई बेटा भाड़ी रे सू कर गई। अरे मैंने नहीं मैंने नहीं जानी मेरी काया बुलिया। लागे लागे घर में घुसो चलो आ रहे हट जा के बैठ जा। ए पंडित जी हाँ पत्रा वत्रा लेकर आए घर को? हाँ पत्रा तो है ना बताओ। जो आपकी गो सिस्टर सिस्टर का वो आपकी मैडम हाँ, वो किधर है? तो देखिए हमारे जो ये चारों बच्चे हैं ये नगर को देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा और इनका घड़ी मुहूर्त छाड़ दीजिए। ठीक है मेरी बात सुनिए। कहिए और पंडित जी ये आंगन में बैठ के तन सुनिए मेरी बात। पहले खोलू देखो पत्रा के पैसा भी आ रहे हैं संग की संग। तो ठीक है पंडित जी आप आंगन में विराजमान हुए आंगन में है या आंगन में जब बैठा एक झाल पूरी ऐठंग हो और पहले मोए खवा दो खीर में बाद में पत्रा और बोलेंगो। तो पंडित जी हम अभी आए को तुम्हारे में भैया मैं यही को तो ढोल लूं और कुछ तो ना खाना पीना। हाँ है तो बहुत कुछ तो देखिए तो पंडित जी कोई नेम करम हो तो नेम करम हो। हाँ सब नेम करेंगे नौकरे भैया कार को बढ़ाओ। अच्छा तो कार को बढ़ेगी। तो देखिए पंडित जी दिन मुहूर्त
सब चीज छाड़ देते हैं और जाति और भगत और कल्लू मल्लू कैसे चलते हैं, बोल सच्चे दरबार की। जब आबू नगर के बाग में ठहर जाते हैं तो अब कौन, जो आबू नगर के रहने वाली रानी मोहनदेव केवल किशन के घर वाली कैसे अपने छत्र साड़ी पर चढ़ती है और कैसे अपनी नंद